एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ 3 इजी आई लुक्स यूजिंग ओनली लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज। सो लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज जब से हमारी लाइफ में आए हैं, हम लोगों का आई लुक और आई मेकअप लेवल बहुत ही इजी कर दिया है। एंड 2 मिनट में विद इन नो टाइम यू गेट अ ग्लैमरस सेक्सी आई लुक। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ 3 इजी और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल मतलब जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, सिंपल उस वे में, वरना तो ग्लिटर आई शेडो खुद में इतने बैम बैम होते हैं। सो बहुत ही बिगनर फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ आपको आई शेडो ट्रिक्स बताती हूँ, जो कि आप अपने लिक्विड ग्लिटर आई शेडो को, एक लिक्विड ग्लिटर आई शेडो को इन तरीके से बना सकते हो, 3 आई लुक्स में क्रिएट कर सकते हो। एक और चीज़, हमेशा जब भी लिक्विड ग्लिटर आई शेडो हम यूज़ करते हैं तो उसका एक पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि आप बेस में कुछ भी कर रहे हो, आपका सारा अट्रैक्शन अपना लिक्विड ग्लिटर आई शेडो के ऊपर होता है। तो बेस अगर आप बहुत हल्का भी पुट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लेंडिंग भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लेंडिंग ज़्यादा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, वो लिक्विड ग्लिटर आई शेडो जो आपकी आंखों पर चमक रहा होगा। तो इसलिए ये वाला चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत जल्दी नो टाइम में आपको एकदम 0 से 100 लेवल पे ले जाता है। सो यस, मैंने आज क्रिएट करे हैं 3 इजी एंड सिंपल, जो कि आप में से हर कोई कर सकता है ये लुक्स। और मैंने जो भी ग्लिटर आई शेडोज यूज़ करे हैं वो सब इस वीडियो में दिखाई ही है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट वाज जस्ट एन आइडिया फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, और अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को करिएगा थम्स अप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये गुजारिश है आप लोगों से छोटी सी। सो यस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेलकम टू माय चैनल। एंड यस, अब शुरू करते हैं मेरी वीडियो। नाउ फॉर द फर्स्ट लुक मैं क्या करूँगी, मैं एक आई शेडो पैलेट लूँगी। अच्छा, ये ऐसी ड्यूप है हुदा ब्यूटी की, शायद डेजर्ट डस्क पैलेट का, बट इसमें कलर्स, ये बेसिकली ड्यूप पैलेट है तो प्लीज़ उतना माइंड मत करना, बट मुझे इसके कलर्स के पिगमेंटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस मुझे आज ऑरेंज बेस रखना है तो मुझे इसमें वो कलर्स दिख गए, सो इसलिए मैं ये पिक कर रही हूँ। आप रैंडमली बहुत सारी आई शेडो पैलेट्स हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड की आप कोई भी पिकअप कर सकते हो, बट बस मुझे जज मत करना। सो बेसिकली मैं सबसे पहले पिकअप करूँगी ये ब्राउन कलर का शेड, ये एक मैट शेड है, किसी भी पैलेट में मिल जाएंगे ये कलर्स, तो आप किसी भी पैलेट से पिकअप कर सकते हैं, मुझे बार बार कहने की नीड नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये कलर को मैं अपनी आउटर क्रीज पे अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी। आप पिगमेंटेशन देख सकते हो ना इसकी, बहुत अच्छी है इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। तो मैं आई शेडो को बस इतना रखूंगी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक ब्लैक कलर का आई लाइनर से अपना एक आई विंग ड्रॉ करूंगी, नॉर्मल जो मैं विंग ड्रॉ करती हूँ, ये कमेओ का आई लाइनर, और मैं बहुत ही थिन सा विंग ड्रॉ करूंगी, मतलब आई लाइनर ड्रॉ करूंगी जो छोटा सा विंग होगा। जब तक ये ड्राई हो रहा है, आई एम गोइंग टू शो यू मैं जो आई लाइनर यूज़ करूँगी, ग्लिटर लिक्विड आई शेडो यूज़ करूँगी, बेसिकली जो थीम है इस पूरे वीडियो का, मैं यूज़ करूँगी हिलारी रोडा का ग्लिटर लिक्विड आई लाइनर। ये मेरे पास आई गेस 2 साल से है एंड मैं इसे काफ़ी यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसे मोस्टली यूज़ करती हूँ। सो ये एक कॉपर शेड में है, मैं क्या करूँगी, लेट इट ड्राई फर्स्ट और मैं आपको फिर मिलती हूँ, ये वाली आई भी तब तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम देखेंगे कि हमारा, मैं इससे फर्स्ट लुक कैसा क्रिएट। राइट, सो मैंने अपनी ये वाली आई भी कंप्लीट कर ली है एंड आई एम बैक, मेरा आई लाइनर भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब मैं ये ग्लिटर लिक्विड ग्लिटर आई शेडो लूँगी एंड ये क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज शेप में होता है, इसका बॉन्ड बहुत प्रिसाइज शेप में होता है, तो मैं अपने इसी आई लाइनर के ऊपर एक और छोटा सा विंग बनाऊँगी, जस्ट अ डबल विंग लाइनर सॉर्ट ऑफ। तो आई होप आप समझ गए होगे, वरना नहीं समझो तो देख लो तब समझ जाओगे। मैंने इसके नीचे बेस इसलिए लगाया बिकॉज जो लिक्विड ग्लिटर आई शेडोज होते हैं इनको एक बेस की नीड होती है ताकि ये पॉप होकर आए, इसलिए मैंने इसके नीचे एक बेस पुट करा है ऑरेंज कलर का, या आप कोई भी कलर का, पिंक कलर का कुछ भी पुट कर सकते हो ताकि ये पॉप होकर आए, या ब्राउन कलर भी ले। डायरेक्टली फॉल्सीज पहनूंगी एंड मस्कारा वेयर करूंगी एंड आई विल बी राइट बैक विद द फाइनल लुक। एंड टडा, आई एम बैक। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस भी है, बहुत ही ज़्यादा सेटल डाउन भी है, दोनों मिक्स्ड हैं। अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा ग्लिटर ग्लिटर बैम बैम नहीं चाहते हो तो आप ये ग्लिटर आई लाइनर पुट कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा।
अब नेक्स्ट लुक के लिए मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू टेक अ शेड जो कि ये लाइट ऑरेंज कलर है एंड ये मैं अपनी पूरी क्रीज पर अप्लाई. ये रोज ब्राउन सा शेड, मतलब बेसिकली ये ब्राउन शेड है जिसमें हल्का सा मॉव कलर है और मैं इसे सिर्फ आउटर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी. ग्लिटर आईलाइनर जो कि है स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर इन द शेड 02 डायमंड डस्ट जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसको मैं पिकअप करूँगी. ये सिल्वर कलर का है क्योंकि इसका जो वॉन्ड है वो बहुत फ्लैट है तो मैं इजीली इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी. अच्छा मैं सिर्फ कट क्रीज करूँगी यहाँ इनर कॉर्नर से ले जाकर यहाँ तक मिड आई सेक्शन तक इसको रोक दूंगी. यू सी लाइक दिस. और इससे कट क्रीज ड्रॉ करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. ब्लेंडिंग ब्रश था उसी से दोनों कलर्स को मर्ज कर दूंगी. इसे काजल वेयर करूंगी एंड मैं सम फॉल्सीज वेयर करूंगी, दूसरी आई कंप्लीट करूंगी, बस कोई आईलाइनर मैं पुट नहीं करूंगी. आई विल बी राइट बैक. सो यू सी मैंने सिर्फ और सिर्फ काजल अप्लाई किया है, मस्कारा अप्लाई किया है एंड फॉल्सीज एंड माई आईज आर लुकिंग सो बैम बैम, मतलब बहुत ही ज़्यादा आउट देयर लग रही है एंड कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, ग्लिटरी एंड शाइनी. सो दिस इज द सेकेंड लुक विच आई फील बहुत ही ज़्यादा ईजी था एंड 2 मिनट में हो जाएगा. 2 आई शेडोज पुट करो, लिक्विड ग्लिटर आई शेडो पुट करो एंड यू आर डन. सो ये राइट नाउ फॉर द नेक्स्ट लुक मैं करूंगी एक हेलो आई स्पॉटलाइट या फिर हेलो आई इफेक्ट विद ग्लिटर लिक्विड आई शेडो. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आई एम गोइंग टू पिकअप दिस मॉव ब्राउन शेड एंड मैं इसको अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर्स पे अच्छे से प्लेस करूंगी और इनवर्ड्स ब्लेंड करूंगी बीच का आईलिड छोड़कर, एज यूजुअल जैसे स्पॉटलाइट इफेक्ट में होता है ना, आप देख लो. यहाँ पर अपना ग्लिटर आई शेडो प्लेस करूंगी और मैं यहाँ पर पहले यूज करे हुए दोनों ग्लिटर्स को मिक्स कर रही हूँ, गोल्डन एंड सिल्वर, लाइक कॉपर एंड सिल्वर, और इसे अप्लाई करूंगी एज अ हैलो इफेक्ट. आप अब देखोगे इसी के ऊपर मैं ये वाला कलर आई शेडो भी मर्ज कर दूंगी अप्लाई करके. एंड मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश पिकअप करूंगी ऐसा और दोनों तरफ से ब्लेंड कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी धीरे धीरे करके एजेस को. हमारी हेलो आई कंप्लीट हो चुकी है. अब मैं जल्दी से ये वाली आई कंप्लीट करूंगी और फॉल्सीज वेयर करूंगी, मस्कारा लगाऊंगी एंड आई विल बी राइट बैक. एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने इनर और आउटर कॉर्नर्स पे जो आपने आई शेडो लगाया है वो थोड़ा और इंटेंसिफाई कर सकते हो ताकि ग्लिटर आई शेडो पर ज़्यादा पॉप हो और जो साइड के आई शेडोज हैं वो थोड़ा सा डार्क डार्क हो जाए. सो आप ये कर सकते हो, बट अदर देन दैट द आई लुक इज सो ब्यूटिफुल, मतलब सारे ही लुक्स मुझे सारे बहुत ब्यूटिफुल लगे. और इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ ये वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो आइडिया अच्छा लगा हो और ये लुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो अपनी डे टू डे लाइफ में या जब भी आप इन लुक्स को वेयर कर रहे हो पार्टी फंक्शन कभी भी. एंड इसी के साथ मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, आई लव यू गाइज अ लॉट, बाय बाय.